जितने भी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और खास तौर पर जो स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है और एक तरह से कहे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 1400 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए शिक्षक के 1400 पदों पर जो है भर्ती आ गई है। अब बात करते हैं इसके लिए आपको आवेदन कब करना और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। साथ ही आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से टीचर शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक कर्मी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने प्रश्न जो है शिक्षक कर्मी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं, निगेटिव मार्किंग कितना होता है, होता भी या फिर नहीं होता, कौन कौन सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इधर उधर की बुक्स ये पढ़ाई करेंगे और उनसे आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अगर पूछे नहीं जाएंगे तो आपके पढ़ाई करने से कोई मतलब भी नहीं होता। तो जो बुक लिस्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा उन्हीं बुक में से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो इसके लिए आपका जो है आपका पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास जो है होना चाहिए, स्नातक आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आप किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हो, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही आपका जो है रोजगार पंजीयन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रोजगार पंजीयन इस चीज़ के लिए जो है कराया जाता है क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अपना रोजगार पंजीयन जो है ज़रूर करा लीजिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो जो एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है एज लिमिट में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 45 वर्ष के हैं फिर भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो 43 वर्ष के स्टूडेंट हैं फिर भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। बात करें चयन प्रक्रिया की तो आपका ये सीधी भर्ती, इसमें कहीं पर भी आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सबसे ज़्यादा मेहनत आपको एग्ज़ाम में करना है। बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है तो 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि टीचर क्या होता है आपका दो होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए, एक सी टेट होता है और एक जो है ए स्टेट होता है। आप चाहे दोनों को में से एक क्वालिफाई किए हो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ए स्टेट का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सी टेट मतलब होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप टीचर बनने के योग्य हैं या फिर नहीं हैं, इसी वजह से आपका टेट एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। तो टीचर भर्ती परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, पूरा बुक लिस्ट, आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। तो टीचर भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कुल 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 मार्क्स के एक प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी से 25 नंबर का, गणित और विज्ञान से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का प्रश्न आएगा। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का प्रश्न, सामान्य ज्ञान से भी आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब टॉपिक वाइज मैं आपको बताता हूँ तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका आएगा विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, यह जो बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण रहता है उनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी, उसमें इसे देखिए हिंदी का पूरा व्याकरण, इसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, संज्ञा, सर्वनाम, मोहरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी का व्याकरण, तो
तो हिंदी के व्याकरण के लिए सबसे बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक है आपका दिल्ली आईएएस एकेडमी का, आपको जो है बुक लेना चाहिए हिंदी के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें इतने बारीकी से आपका हिंदी का पूरा नॉलेज दिया गया है, पूरा व्याकरण सहित, कि आप लोगों को हिंदी के पूरा व्याकरण बहुत ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टेक, डिटर्मिनेशन, वर्ड ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कॉन्टिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, ये सभी आपके इंग्लिश में जो है ग्रामर पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की बात करते हैं तो इसके लिए जो है आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इस बुक और यह बुक आपको कहाँ मिलेगा, तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए मैथ्स में आपका आएगा घातांक, बीजीवंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर जो ब्याज होता है, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी। तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका डॉक्टर आर एस अग्रवाल का, आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे यदि आप मैथ्स में वीक है तो मैथ्स की प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात करें आपके रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका अरिहंत का मास्टर रीजनिंग आपको लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से आपका जो है दिया रहता है, तो ये आपको लेना है। विज्ञान की बात करें तो इसके लिए आपको जो है दृष्टि आईएएस का आपको क्विक बुक लेना है, दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है, जिससे आपके साइंस की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट, एंटीवायरस, सीडी डीवीडी, तो ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय, इस बुक को आपको जो है लेना चाहिए, जिससे आपके कंप्यूटर के प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। कंप्यूटर का परीक्षा मंथन आपको लेना है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, यदि आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो आप एग्ज़ाम को जो है ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।